हम लोग मुद्रा स्टार्ट कर लिए थे ना। मुद्राओं में हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में क्या बताया था, जैसे समस्त वन का, समस्त पर्वत का आधार शेष नाग को बताया था, उसी प्रकार समस्त कुंडलनी का आधार, सॉरी समस्त तंत्रों का आधार कुंडलनी को बताया गया था ना। और पूरी मुद्राओं का इसलिए वहां पे बताई गई है मुद्राओं के बारे में, क्योंकि पूरी प्रयत्न के साथ आपको उस कुंडली को जगाने का प्रयास करना है ना। और कुंडली के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में तंत्र के संबंध में आपको बातें बताई थी ना, कि जब आप किसी भी बॉडी से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हो ना, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप दूध को क्या करते हो, मथते हो धीरे 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 ना, तो तब जा करके उससे क्या निकलता है, बटर निकलते हैं ना। जैसे मिल्क से आप उसको बार 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 जब आप मथते हैं ना, तब जा करके क्या होता है, उससे जिस प्रकार बटर निकलता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी में ना एनर्जी है, राइट। तो वो एनर्जी कुंडलनी के फॉर्म में रिलीज होती है जब आप मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि पूरे प्रयत्न से आपको मुद्राओं का अभ्यास करना है। और कुल यहाँ पे 10 मुद्राएं की चर्चा हम लोग को तीसरे उपदेश में मिलती है ना। पहले में आसन हो गए, दूसरे में कुंभक हो गए, और तीसरे में मुद्राओं की चर्चा। तो 2 मुद्राएं हम लोगों ने पढ़ी थी, महामुद्रा और महाबंध। महामुद्रा के बारे में क्या बोला गया था, वहां पे महाक्लेश दूर होते हैं ना, एक तो ये बोला गया था। उसके अलावा ये बोली गई थी कि यह अपथ्य कारक भोजन को भी सुपाच्य कर लेता है, और अगर आप विष को भी खा लेते हैं ना, तो वो भी सहज पच जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुरोगमन, टीबी वगैरह, कुष्ठ स्किन डिजीज को दूर करता है, गुल्म पेट संबंधित रोगों को दूर करता है, आपके इंटेस्टाइन डिसऑर्डर को दूर करता है ना, ये महामुद्रा का लाभ बताया गया था। ये इसके मोटे मोटे लाभ थे ना, महाक्लेश, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, विष को पचा लेता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद महाबंध के लिए मैंने आपको बताया था ना, महामुद्रा का मेथड कैसे था, उसमें हम लोग एक पैर को सीवनी के स्थान पे लगाए थे, दूसरा पैर सामने खुला हुआ था, और दोनों हाथों से हम लोग उसको पकड़े हुए थे, और वहां पे जालंधर बंध लगाए थे, ये महामुद्रा में था। महाबंध में क्या था, दूसरा पैर सामने खुला ना हो करके वो पहले वाले पैर के जंघा पर आकर के ऊपर पे रखा जाएगा, अर्ध पद्मासन जैसी कुछ स्थिति होगी, लेकिन अर्ध पद्मासन में एक एड़ी सीवनी के पास नहीं रहती है, लेकिन महाबंध में एक एड़ी आपकी सीवनी के पास रहेगी, दूसरी एड़ी आपके मुड़े हुए जंघों के मुड़े हुए पैर के जंघों के ऊपर रहेगी। और फिर वहां पे भी जालंधर बंध लगाना है, महामुद्रा में भी आपने जालंधर बंध लगाया था, वहां पे भी मूल बंध थी, यहाँ पे भी मूल बंध, फर्क कितना है, एक पैर खुला हुआ है, एक पैर बंद है, राइट। अब वहां पे उसके लाभ क्या बोले गए थे, महाक्लेश दूर करता है और विष को भी पचा लेता है, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुरोगमा, महामुद्रा में बताई गई थी। लेकिन जब आप महाबंध के लाभ को देखे थे, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, एक वर्ड बोला गया था ना, यह काल, याद आ रहा है किसी को क्या था, काल पा हाँ कालपाश, राइट। जो जन्म मृत्यु का चक्कर होता है ना, उससे भी आप उस बंधन से मुक्त हो जाते हो, काल के बंधन से, काल मतलब हो गया समय और पास मतलब हो गया बंधन, तो काल के बंधन से भी आप मुक्त हो जाते हो। उसके अलावा बताया गया था कि सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को रोकता है ना, सुषुम्ना को छोड़ करके अन्य सभी नाड़ियों में जो प्राण के प्रवाह हो रहा था उसको रोकता है, ये हमने देखा था महाबंध के लाभ ना। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मन केदार में लगता है और त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम और मन केदार में, ये डायरेक्टली महाबंध से संबंधित है ना। तो ये 2 मुद्राएं हम लोगों ने देख लिया था। आइए आज हम लोग अपना महावेद स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको कैमरा ऑफ रखना, ऑफ रख सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे ना। आइए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इस तरीके से आप समय पे जुड़ेंगे तो साथ साथ आपकी रिवीजन भी होगी। अभी मैं 5-10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आपने टेस्ट दिया है, तो सभी पढ़ा हुआ ही है आपको ज्यादातर बातें ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है ना, जब बहुत गैप हो जाएगा तो धीरे धीरे मैं वो करता रहूंगा। ऐसे होगा तो कल शायद आपका लग जाए पहले क्लास, तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, आप लोग टाइम से जुड़ा कीजिए ना। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आइए स्टार्ट करते हैं।
ओके आइए, अब होता है आपका स्टार्ट महावेद। हाँ महावेद, जहां जहां महा महा दिखे ना वहां पे एक स्पेसिफिक वर्ड आपको दिखेगा, तो उसको याद करते चलिएगा ना। जैसे महाक्लेश हो गया महामुद्रा का, और कालपास हो गए महाबंध के, तो उसको याद रखते चलिएगा। ओके आइए स्टार्ट करते हैं आज महावेद। महावेद के लिए पहले क्या बोल दिया गया, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट से शुरू किया गया ना, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। क्या देखा था, कालपास रूपी बंधन को दूर करता है, त्रिवेणी संगम होता है और मन केदार में लगता है ना, ये सारी बातें हम लोग ने देख लिया था। अब महावेद के बारे में क्या बोला गया, इसको ध्यान से समझिए। इसकी महत्ता बताते हुए क्या बोल रहा है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना ना, जैसे कोई स्त्री है, यहाँ पे अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है ना, क्योंकि स्त्री बहुत सुंदर है लेकिन वो क्या है, व्यर्थ है ना पुरुष के बिना। ये महावेद को जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो अब आगे क्या बोला गया है कि महामुद्रा और महाबंध, पहले आपने क्या कर लिया, महामुद्रा कर ली थी और बाद में क्या किया, महाबंध किया, ये दोनों क्या है, फलहीन है, बेकार है, निष्फल है, फल देने योग्य नहीं है। किसके बिना, वेद वर्जितो, महावेद के बिना ये क्या है, फलहीन है, राइट। अब आगे इसकी और चर्चा यहाँ पे की जाती है, क्या बोला गया, देखिए मेथड ही उसी प्रकार बता दिया गया जैसे आप पहले कर रहे थे ना। क्या बोला, महाबंध स्थितो योगी, पहले आपने क्या किया था, महाबंध, अभी महाबंध करके आप आए ना महावेद में, तो महाबंध कैसे किया था, एक पांव को सिवनी में लगाया था, दूसरे पांव को पहले वाले जंगे के ऊपर, तो महाबंध हो गया। तो अभी भी महाबंध में ही बैठे रहना है, कोई बदलाव नहीं होगा पोस्चर में। तो महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एकधी, उसी प्रकार पूरक कर लेंगे ना, पूरक कर लिए जैसे वहां पे हम लोग ने महामुद्रा में भी किया, महाबंध में भी किया, और महावेद में भी क्या कर रहे हैं, जालंधर बंद कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला, साधक महाबंध लगा लेना है, एकाग्रचित होकर के पूरक करना है, और कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंद लगा लेना है, मतलब बैठ गए वही उसी प्रकार ना जिस प्रकार महाबंध में बैठे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोला गया, समहस्त योगो भूमो स्फीचो संतान, ये क्षण है ना, तो क्या करना है, समहस्त दोनों हाथ को क्या करेंगे, बगल में रख लेंगे और बॉडी को लिफ्ट कर लेंगे, और उसको क्या करेंगे, भूमि पर बार बार उसका ताड़न करेंगे, अपने हिप को बार 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 बॉडी पे, बॉडी को फर्श पर पटकेंगे। फिर इसका फल क्या बोला गया, पुट द्वयम क्रियम ना, तो पुट द्वयम यहाँ पे दोनों नासिका पुट की बात की जा रही है ना, जो आपके लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल है, ये जो यहाँ पे बात की जा रही है ना, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल की, ईड़ा और पिंगला की बात की जा रही है। तो क्या बोला गया, ये दोनों में क्या होता है, उसका अतिक्रम हो जाता है, मतलब ये दोनों में जो है प्राण का प्रवाह ना हो करके कहाँ होता है, वायु स्फुरति मध्यगह, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है। तो इन दोनों को क्या किया, अतिक्रमण कर गया। जनरली ये मैंने बताया था, या तो आपकी प्राण एड़ा में फ्लो होती है या पिंगला में, मतलब होती तो दोनों में कंपेरेटिवली, कभी ये ज्यादा होगा कभी ये कम होगा ना, होती दोनों में, ऐसा नहीं है कि केवल एड़ा या केवल पिंगला में होती। लेकिन जब आप क्या करते हैं, महावेद का अभ्यास करते हो, हिप को बार 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 पटकते हैं, ताड़न करते हैं जमीन पर, तो क्या होता है, ये दोनों नासिकाओं में क्रियाशीलता रुक जाती है और वायु मध्य मार्ग में आपके सुषुम्ना में प्रवाह होती है, राइट। अब आगे फिर क्या बोला गया, वही बात हिंदी में पढ़ लीजिएगा ना, यहाँ पे क्या बोला कि दोनों हथेलियों को अच्छी तरह के जमीन जमीन पर लगाकर तुला के समान ना, जैसे तराजू रहता है उसी प्रकार तुला के समान उठा करके, नितंब को हल्के हल्के धीरे से भूमि पर पटके ना, बार 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 हिप को पटकना है ना, पटकना है यहाँ पे, इसी से क्या होती है, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। आगे फिर क्या बोला गया यहाँ पे, सोम सूर्य अग्नि, इसको याद रखिएगा, सोम हम लोग ईड़ा को बोलते हैं, ये आप सिर्फ संहिता में पढ़ेंगे ना, बेहतर है अभी ही आप पढ़ लो। सोम ईड़ा को बोलते हैं, सूर्य पिंगला को बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा भी होगा ना, सोम या चंद्र बोलिए, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी तो हम लोग जानते ही, ईड़ा को बोलते हैं, लेकिन अग्नि को हम लोग, अग्नि किसको बोलते हैं, सुषुम्ना को बोलते हैं ना, सुषुम्ना को अग्नि बोलते हैं, ये आप सिर्फ संहिता में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको आइडिया लग जाए तो बेहतर है ना। तो सोम सूर्य सॉरी सोम चंद्र हो गई, सूर्य पिंगला हो गई, अग्नि सुषुम्ना हो गई। तो ये संबंध, ये क्या होती है, जब आप बार 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 हिप को पटकते हैं ना, तो इसमें एक स्पंदन क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, राइट। तो जायते चामृताय वय, तो इन तीनों में जो स्पंदन होती है, इससे क्या होता है, आपको अमरता की मृत्यु, देखिए फिर वही बात होगी ना, अमरता बोलिए मृत्यु बोलिए कालपाश
बंधन बोलिए ना, ये सब एक ही बात है ना, मोटा मोटी आप देखोगे तो सब एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आपके प्राण सुषुम्ना में प्रवाह होने लग गए या उसका शुरू हो जाता है प्रवाह, फिर क्या हो जाती है, आपकी केवल कुंभक लग जाती है ना। और जब एक बार केवल कुंभक लग गई तो आप उस सत्य को एक तरीके से जान जाते हैं ना, जो माया होती है उससे थोड़े से आप परिचित हो जाते हैं, जान जाते हैं कि ये सब चीज मोह माया है ना। तो उसी को बोलिए अमृत अमृत अमरता की प्राप्ति, बोलिए काल पाश, समय के बंधन से मुक्त हो जाना, मृत्यु का भय दूर हो जाना ना, ये सब एक ही बात है। तो क्या बोला गया, अब जब आप ये चीज प्रैक्टिस कर रहे थे महाबंध में तो आप बैठे हुए ही थे, तो जाहिर सी बात है कि आपको मृतावस्था आएगी हल्की सी ना, क्योंकि श्वास को रोक करके रखा था ना, पूरा पूरा कांते आपने जालंधर बंद लगाया था। तो जब मृतावस्था आने लग जाए तो फिर क्या करना है, समुत्पन्ना, जब ये उत्पन्न होने लगे मृतावस्था, ततो वायु विरेचयेत, फिर क्या करना है, वायु का रेचन कर देना जो आपने जालंधर बंद लगा करके बैठा था। तो क्या किया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ। महाबंध आपने लगा लिया, इसकी विधि मैं स्टार्टिंग में बता दिया था। महाबंध लगाए, फर्क इतना है कि उसमें हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे हिप को पटकेंगे, जिससे क्या हुआ कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है। और जब आपको मृतावस्था आने लगे, मृतावस्था क्यों आएगी, क्योंकि आप जालंधर बंद लगा करके बैठे हुए थे, तो जब मृतावस्था आने लग जाए फिर आप वायु का रेचन कर देंगे, वायु को बाहर निकाल देंगे। ये हो गया आपका महावेद। अब महावेद क्या है, महासिद्धि, महावेदो यम अभ्यासान, जब इसके अभ्यास से क्या होती है, महासिद्धि प्रदायक, महान सिद्धि देने वाली तीनों है ना, महामुद्रा भी है, महाबंध भी है और महावेद भी है, तीनों महान सिद्धि वाली है। तो ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के लाभ में ही बता दिए कि मुद्राएं क्या है, अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक, आठ प्रकार की ऐश्वर्य देने वाली है ना। तो ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अन्य लाभ मैं आपको बताता हूँ, अन्य लाभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वलितम, पलितम और वेपग्नम, ये तीन लाभ हो गया। वलितम यहाँ से अलग कीजिएगा, पलितम और एक यहाँ पे वेपग्नम। तो वलितम किसको बोलते हैं, झूरी ना। झूरी क्या होती है, जब आप देखते हैं ना कि व्यक्ति जब बूढ़ा होता है ना, तो स्किन क्या होती है, हल्की लूज हो जाती है ना, उसी को बोलते हैं रिंकल्स ना, इंग्लिश में बोलते हैं रिंकल्स। तो झूरी आना क्या हो जाती है, बंद हो जाते हैं महावेद से। फिर क्या बोला, पलितम, बाल पकना ना, बाल सफेद जो होता है वो भी रुक जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। या अगर किसी के सफेद हो रहे हैं तो वो रुक जाती है, कंप्लीट तो व्हाइट से ब्लैक नहीं हो पाएगा, लेकिन आप समझने के लिए ये याद रखिएगा कि यहाँ पे लाभ क्या बताया गया ना। तो वलितम हो गई, पलितम हो गई और वेपग्नम बोला गया, कंपन ना, बुढ़ापे में कंपन आ जाती है शरीर में, तो ये भी नष्ट हो जाते हैं ना। तो इसके तीन लाभ बताए गए, वलितम, पलितम और वेपग्नम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही बोला गया आगे, फिर सेवते साधकोत्तमे ना, ये उत्तम चीज देने वाले हैं, राइट, इसका अभ्यास इसलिए करना चाहिए। तो एक बार तीनों का लाभ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। महामुद्रा का क्या था, महाक्लेश, महाक्लेश, राइट। फिर महाबंध का, महाबंध का कालपास सर, कालपाश पास ना, कालपाश। और महावेद का आपके वलितम, पलितम और वेपग्नम ना। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने पहले बहुत बार क्वेश्चन आया, काफी समय से नहीं आया है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से। ओके, अब ये तीन सर। बता दिया गया ना। वलितम पलितम क्या बोला आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं, सर वलितम पलितम के बाद क्या बोले आप, वे पगनम वेपग्नम ना, मतलब कंपन, कंपन ना, कंपन दूर हो जाता है ना बुढ़ापे में। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति कुछ काम हो करता है ना, तो उसके हाथ वगैरह बहुत कांपते हैं ना, इसको बोलते हैं वे पगनम, राइट। तो ये दूर हो जाता है महावेद के अभ्यास से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद सर रखिएगा। बताइए, सर ये जो आपने श्लोक नंबर 26 में बोला है स्टार्टिंग में, महाबंध स्थितो, हाँ बताइए। तो सर ये मेरे पास हठयोग प्रदीपिका है स्वामीनंद भारती की, इसमें महावेद स्थितो लिखा हुआ है, महाबंध स्थितो नहीं लिखा हुआ है, किसमें बोल रहे इसके हैं, ऊपर वाला सर, 26 के ऊपर श्लोक, सर, ये इसमें 25 है आपके पीछे में, 25 नंबर श्लोक हाँ तो ये तो बता जी, दिया ना। इसमें महाबंध स्थितो है मेरे बुक में, तो सर इस बुक महाबंध में महावेद स्थितो लिखा है, नहीं, वो गलत है ना,
वो गलत है। आप दो तीन बुक विजिट कीजिए तो आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना। महावेद अच्छा स्थितो, ओके सर, महावेद क्या है, पहले महाबंध बता दिया फिर ना ये महाबंध स्थितो बोल रहा है। महाबंध में बैठे रहिए ना, जैसे आप अभी मैं जब आसन पढ़ाऊंगा ना तो पहले क्या बोला है, पहले कुक्कुटासन बताया गया ना, तो कुक्कुटासन में फिर क्या बोला गया, उत्थान कुर्मासन। तो पहले क्या बोला है, कुक्कुटासन हो बंदस्तो ना, कुक्कुटासन में बैठे ही रहिए और उसके बाद फिर पीठ के बल लेट जाइए, ये मिलेगा आपको। उसी प्रकार यहाँ पे पहले महाबंध बता दिया गया और फिर क्या बोला गया, महाबंध स्थितो योगी, महाबंध में बैठे ही रहिए और फिर इसके बाद ये चीजें कीजिए ना, एक दो बुक विजिट कीजिए आप। ओके, अब आते हैं यहाँ, अब बात की जा रही है। तो महामुद्रा बता दिया गया, महाबंध बता दिया गया, महावेद बता दिया गया। अब तीनों के लिए बात की जाएंगी यहाँ पे ना। अब जो भी बात बोली जाएंगी, जो भी श्लोक बोला जाएगा, वो तीनों के लिए बोला जाएगा। तो क्या बोला गया, एतत, ये त्रयम, ये तीनों क्या है, महागुह्यम, बहुत ही गोपनीय है। पहले ही बताया कि हठयोग की ये कि क्रियाएं गोपनीय है, तो इसमें ये लिखे ना लिखे तो भी अंडरस्टूड हो कि ये गोपनीय ही है। अब ये क्या है, जरा मृत्यु विनाशनम, ये बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करती है, राइट। इस पे मैंने बहुत बात बता चुका है कैसे ये जरा मृत्यु से संबंधित है, पुरानी वीडियोस देखिएगा आपको समझ में आए, उसके बावजूद भी नहीं आए तो फिर आप बात करना। और ये क्या करती है, वहनी वृद्धि करम, ये क्या करती है, आपकी अग्नि जठराग्नि भी तीव्र करती है। चैव, और क्या देती है, अनिमा आदि गुण प्रदम ना, अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी ये देती है ना। तो ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हर एक में आपको अष्ट सिद्धियां मिलती ही जा रही है ना, सर्व सिद्धि प्रदायक है, सिद्धि देने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, अभी अगला जो मिलने वाला है, एक तो पहले मिल गया वलितम पलितम और वेपग्नम, ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब जो आगे आप पढ़ने जा रहे हो ये सबसे एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। अब ये तीनों के बारे में कहा जा रही है, क्या कहा जा रहा है, अष्टधा, 8 बार, 8 बार कितने समय में करना है, यामे यामे, एक याम में 3 घंटे होते हैं ना, 3 आवर्स, एक याम में, याम बोलिए या पहर बोलिए एक ही बात है ना, ये याद रखिएगा, याम पहर एक ही बात है, और एक याम में 3 घंटे हो गए। तो इसको क्या बोला, 8 घंटे में करना है, यामे यामे मतलब हर एक याम में, तो 24 घंटा हुआ एक दिन में, और टोटल याम कितने हो जाएंगे, 8 याम। तो हर 3 3 घंटे पे आपको क्या करना है, ये अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने, ये तीनों अभ्यास को क्या करना है, हर 3 घंटे पे अभ्यास करना है ना, दिन में 8 बार। समझ में आए ये सभी को? ओके, अब सर आगे इन मुद्राओं को करना है प्रैक्टिस, क्या मेघा जी, ये बोला गया ना सर, हर 3 घंटे में, क्या बोला आपने, दोबारा रिपीट कर ये दूंगा। तीनों महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये तीनों को करना है ना, राइट। ठीक है सर, ठीक, हाँ, ये समय जहां पे भी दिखे ना, समय से संबंधित जो कुछ भी दिखे वो जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे क्या बोला, ये पुण्य संभार संधाई, ये क्या है, पुण्य देने वाले हैं, और क्या करते हैं, पापोग विदुरम सदा, पाप को नष्ट करते हैं, कौन, ये तीनों की बात की जा रही है ना। सम्यक शिक्षावतामेव स्वल्पम प्रथमम साधनम, तो ये क्या करती है, पहले तो बोल दिया पुण्य को पुण्य देने वाली है और पाप को नष्ट करने वाली है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रथम साधनम, या अभी अभी आप बिगिनर हैं, तो आपको क्या करना है, स्वअल्पम, बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना है ना, सम्यक शिक्षा वताम एवं ना, तो ये शिक्षा याद रखनी है आपको कि अगर आप बिगिनर हैं तो इसको अल्प में ही करें, ये नहीं कि पहले दिन शुरू किए और अष्टधा क्रियते चैव यामे दे दिए ना, ये नहीं करना। तो वही बात बोला गया कि जो अच्छे जानकार साधकों को भी प्रारंभ में इसका अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए, बाकी पुण्य देने वाले हैं और पापों को नष्ट करने वाले हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे चलने से पहले मैं पहले खिचड़ी को समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा। 5 मिनट के लिए सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, आइए 5 मिनट के लिए सभी लोग सामने ना, पता चलते रहे कि आप लोग क्लास में इधर उधर नहीं। देखिए, खेचरी मुद्रा जो है ना, खेचरी मुद्रा तंत्र की बहुत गोपनीय विद्या है ना, बहुत गोपनीय विद्या। और खेचरी मुद्रा आप हर जगह देखेंगे, चाहे आप योग उपनिषद पढ़ो या चाहे आप हठ योगिक टेक्स्ट पढ़ो, खेचरी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक
अलग तरीके से समझाने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा ये है क्या। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे शराब पीता है ना, तो शराब का प्रभाव उसके बॉडी पे कैसे आता है, वो जो अल्कोहल रहता है वो उसकी बॉडी में ब्लड के थ्रू उसके पूरे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देता है ना, जो भी उसकी क्रियाएं थी। उसी प्रकार, एक सेकेंड, उसी प्रकार खेचरी मुद्रा में क्या होता है, जैसे आप सूत्र नेति करते हैं ना, तो नेति में क्या करते हैं, आप एक नासिका से छिद्र से क्या करते हैं, उस नेति सूत्र को इंसर्ट करते हैं और उस पैलेट से बाहर की ओर निकालते हैं, और फिर ये चीज आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऊपर पे जो कपाल कुहर है ना, जो छिद्र है जिससे आप सूत्र नेति के दौरान आप उस सूत्र को मुख से बाहर निकालते हैं ना, तो जब आप उस जिह्वा को उस कपाल कुहर में इंसर्ट करते हैं, राइट, तो आपको एक स्वाद का अनुभव होता है, और उसी स्वाद के जो जो चीज आप जो रस का पान करते हैं ना उस कपाल कुहर में, वो आपकी पूरी बॉडी में जाती है, जिससे इसका फल क्या बताया गया है कि आपका शरीर बहुत कोमल हो जाता है, आपके ऊपर अस्त्रों का प्रभाव नहीं होता है, तक्षक के विष काटने पे भी उसका प्रभाव नहीं होता। ये उसी सोम रस का किया कराया है ना, वो उसकी प्रकोप बोलिए या उसका प्रभाव बोलिए, उसका असर बोलिए ना, जैसे ही आप उस जीव को वहां पे कपाल कुहर में जाता है, आपको एक स्वाद का अनुभव होता है। वो इस स्वाद एक अलग अलग क्रम में होगा, जिसको अभी मैं श्लोकों में बताऊंगा। उसके बाद पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या है कि सामान्य व्यक्ति का कभी भी वो जीव ऊपर पैलेट तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए एक प्रक्रिया बताई जाती है। और आज के समय में भी आप कहीं ना कहीं देखे होंगे या सुने होंगे ना, कि कोई व्यक्ति क्या करता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, 4 दिन 5 दिन तक अंदर दबा रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता ना, तो वो सारी की चीजें खेचरी सिद्धि ना, खेचरी सिद्धि हो जाती तो वह उसका फल है। और ये बहुत पहले की बहुत गोपनीय विद्या है, कहीं कहीं कोई लोग इसको सीख लिए और इसको एक तरीके से सिद्ध कर लिए, और वही लोग एक तरीके से प्रदर्शन करते हैं कि मैं 5 दिन 7 दिन तक मिट्टी के अंदर भी रह सकता हूं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो खेचरी विद्या का ही एक तरीके से प्रभाव है ना। उसके बाद एक विधि यहाँ पे बताई गई है कि वो सामान्य जीव आपके कपाल कुहर तक कभी नहीं पहुंचेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो हालांकि रत्नावली में इसको और भी डिटेल में बताया गया, यहाँ पे थोड़ा कम बताया गया। यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, स्नूही थूहर के पत्ते को लेना है, एक बहुत शार्प पत्ता होता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे आप अगर कुश के पत्ते को छुओगे ना, तो बहुत ब्लेड जैसा होता है ना, अगर लग जाएगा तो वो कट जाता है, उसी प्रकार थूहर का पत्ता होता है, स्नूही का पत्ता, उसको क्या बोला गया, आप अपने पैलेट में ना, जीभ से जो सिरा जुड़ा हुआ रहता है जिसकी वजह से जीभ ऊपर की ओर नहीं जा पाती, उसको हल्का हल्का आपको काटना है, बहुत हल्का, बाल भर ना, बाल भर वहां पे लिखा हुआ है, अभी मैं जब श्लोक पढ़ूंगा तो बाल भर काटना है। उसके बाद क्या करना है, वहां पे हरड़े का और सोंठ का चूर्ण लगाना है, वहां पे ना, वहां पे चूर्ण लगाना है, और फिर पुनः 7 दिन के बाद फिर आप उसको बाल भर काटोगे। तो जब ये प्रक्रिया हर 7 दिन पे आप करते हैं, तो क्या होता है, 6 मास में, 6 महीने में क्या होता है, वो सिरा बंद हट जाता है, वो जीव जो लगा हुआ था आपके पैलेट में वो हट जाता है, और फिर आपकी जीव कपाल कुहर में प्रवेश करने लग जाती है। ये चीज अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कि जैसे ही आपकी जीव आपके उस कपाल कुहर में प्रवेश करती है, तो वहां पे 16 दल वाला एक व्योम चक्र बताया गया है। हालांकि हम लोग 16 दल जनरली विशुद्धि चक्र में पढ़ते हैं ना, 16 दल विशुद्धि में ही पढ़ते हैं ना, 16 दल कमल, लेकिन जब आप अन्य टेक्स्ट को आप स्टडी करोगे, राइट, जब आप योग राज उपनिषद पढ़ोगे, जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ोगे, तो वहां पे आपको बताई जाती कि 9 चक्रों की चर्चा मिलेगी ना। घबराने की बात नहीं, अगर आप इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है, बस आपको ये पता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब मैं वहां पे 16 दल वाला कमल बताऊं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ना। तो क्या बताया गया कि निर्वाण चक्र या आकाश चक्र में 16 दल का कमल है, 16 दल का कमल बताया गया, जिससे क्या होता है, अस्त्राव होता है, और ठीक जब आप खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, जब आपकी जीव उस कपाल कुहर में प्रवेश कर जाती है, तो वो जो अस्त्राव हो रहा था आप उसका पान करते हैं, राइट, और उसी पान का फल क्या बताया गया कि आपके शरीर कोमल रहेंगे, आपके ऊपर अस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ेगा,
ये सारी विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, न क्षुधा न तृषा नैव निद्रा आलस्य प्रजायते, ये सारी चीजें खेचरी की देन है। इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक वर्ड आपको दिखेगा बिंदु, राइट, इसको आप दो सेंस में समझेंगे। बिंदु का हमेशा दो अर्थ आप लगाओगे, एक आपकी होती है ग्रॉस ना, जो आप शारीरिक रूप से समझते हैं बिंदु, राइट, जो आपके वीर को बोलते हैं, जो आप सेमन को बोलते हो, राइट, इसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। एक बिंदु आप बोलते हो जो आपके सबटल बॉडी में होती है ना, जो आपके एक तरीके से कॉजल बॉडी में हम लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा बताया जाता है ये ग्रॉस फॉर्म है। और जो वहां पे बिंदु की चर्चा आप शास्त्रार्थ में देखते हो वो क्या बताया गया, वो कॉजल बॉडी में बताई जाती है। तो जब दोनों बिंदु का चलन होता है ना, अगर बिंदु चलेगी तो आपके मन चलने शुरू हो जाएंगे, इसको आप ऐसे समझो। इसलिए आप वहां पे स्वात्मा राम जी ने पहले ही बोला था ना स्टार्टिंग में, स्त्री संघ को भी एक तरीके से वर्जित किया गया था ना, स्त्री संघ लंबी यात्रा, क्योंकि जब आप स्त्री संघ करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी बिंदु चलायमान होंगी ही होगी, और जब बिंदु चलायमान होगी तो चित्त की चंचलता कभी भी शांत नहीं होगी। इसलिए बिंदु को हमेशा आप दो अर्थों से समझेंगे, जहां पे भी जैसी स्थिति, जब आपको मैं योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी ये चीज आपको मैं फिर से बताऊंगा दोबारा से ना। तो आइए इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। अब आप अपना कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं ना। ओके, अगर आपने एक एक बातों को समझा होगा तो अब मैं यहाँ पे केवल श्लोक को पढ़ूंगा और उसको केवल समझाता हुआ निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो चीज छूटा रहेगा, जो नहीं बताया उसको मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ओके, क्या बोला गया, कपाल कुहरे ना, कपाल कुहर वही हो गया, वो पैलेट की बात जहां से सूत्र नेति आप निकालते हैं ना, जो मुख से बाहर आती है। तो यहां से ये मान लो नाक है आपका, ये माउथ है, तो यहाँ पे जो पैलेट है ना इसी को हम लोग कपाल कुहर बोलते हैं। तो इसी कपाल कुहर में क्या करना है, जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा, उल्टा जीव को क्या करना है उसमें प्रवेश कराना है। और दृष्टि कैसे रखनी है, भ्रूमध्य, ये इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है आपको। एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ, भ्रूमध्य दृष्टि हम लोग एक जगह देखे थे सिद्धासन में, राइट, सिद्धासन में। नासाग्र दृष्टि एक आपने देखा था पद्मासन में, और एक आपने देखा था सिंहासन में। अब एक और भ्रूमध्य दृष्टि मिल गई, तो भ्रूमध्य आप यहाँ पे लिख लो खेचरी, दो जगह भ्रूमध्य मिली है अभी तक, मैं याद दिलाता रहूंगा, आप अपडेट करते रहिएगा, राइट। ओके, क्या बोला, भ्रुवंतरा गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी, तो यही खेचरी होगी। इन शॉर्ट क्या बोला, कपाल कुहर में जीव प्रवेश हो गया, दृष्टि भ्रूमध्य हो गई, यही हो गई खेचरी, बात खत्म। अब इसकी टेक्निक बताई जाएंगी, इसके फल बताए जाएंगे। क्या बोला गया, तीन वर्ड बोला गया, एक छेदन, एक चालन और एक दोहन। छेदन क्या हो गया, वही छेद करना, चलाना ना, सुनुही के पत्तों से जब आप उसको ब्लेड की भांति चलाते हैं, काटते हैं। चालन क्या हो गया, जब आप दोनों उंगलियों को रख करके उंगली को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं जीव को, चालन। और दोहन क्या हो गया, जैसे गाय का दूध दूहते हैं ना, उसी प्रकार आपको जीव को क्या करना है, दूहना है। जिससे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे दो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक चीज प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, आपका वो सिराबंद हट जाए, और दूसरा क्या हो जाए, आपकी जीव की लंबाई बढ़ जाए, तभी जा करके वो कपाल कुहर में प्रवेश करेगी, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। और कपाल कुहर में प्रवेश ही नहीं करेगी तो कभी भी खेचरी सिद्ध हो ही नहीं सकती है ना, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या बोला, छेदन चालन दोहन, ये तीन हो गए ना, छेदन काटना, चालन चलाना, और दोहन उस जीव को दूहना। आगे क्या बोला, कलाम क्रमेण वर्धये तावत सा यावद भ्रूमध्यम स्पृशत स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। और यही जब भ्रूमध्य ना, हम लोग जानते हैं वो अल्टीमेटली जो है वो खुलती कहाँ पे है, कपाल कुहर भ्रूमध्य के पास, तो जब ये जीव उसको स्पर्श करने लग जाए तो आप समझ लेना कि आपकी खेचरी सिद्ध हो गई है, ये बात खेचरी के लिए कहा गया है ना। अब आगे बोला क्या गया, अब वो जो धारदार सुनुई पत्ते की मैं बात कर रहा था वो बोला किससे यूज करना है, सुनुई पत्रम, सुनुई पत्र निभम शस्त्रम ना, जो शस्त्र के समान सुनुई पत्र है उसका यूज करना है। सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुचित, तो रोम मात्र मतलब बाल भर ना, जितनी बाल की थिकनेस है उतना काटना है, राइट। तो क्या बोला, स्नूही के पत्तों से जो शस्त्र के समान है, तीक्ष्ण है, बहुत शार्प है, और स्निग्ध निर्मल है ना, हल्का
एक तरीके से उसमें हल्का चिकनाई भी होनी चाहिए ना, स्निग्ध मतलब हो गई चिकनापन, और वो निर्मल होना चाहिए। उसको क्या करना है, समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छिन्नयेत, उसको फिर क्या करना है, धीरे से बाल भर रोम मात्र उसको काटना है। उसके बाद फिर क्या बोला गया, ततः मतलब उसके बाद सैंधव और पथ्याभ्याम, तो सैंधव सेंधा का चूर्ण और पथ्याभ्याम हरड़े ना, आप कभी ना देखा होगा आयुर्वेद में, आप अगर पढ़े होंगे कॉलेज में, तो ये एक तरीके से पाचक होता है ना, हरड़े खाते हैं लोग अक्सर, तो ये दोनों का क्या करना है, चूर्ण। जब आप रत्नावली में पढ़ोगे तो ये आपको रेशियो भी दिखेगा वहां पे ना, वहां तीन बातें दिखेगी और एक यूनिट भी दिखेगा, वो रेशियो भी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा बताया नहीं गई, वहां पे आपको हट रत्नावली में देखने को मिलेगी ना। तो यहाँ पे सैंधव और हरड़े का चूर्ण क्या करना है, उसको लगाना है कहाँ पे, जहाँ पे आपने जीभ को काटा बाल भर, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है, पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिन्नेत, और पुनः फिर क्या करना है, सप्त दिने 7 दिन पर फिर आप क्या करेंगे, रोम मात्र काटेंगे। तो इसको मैंने पहले ही बता दिया, फिर मैं बता देता हूँ कि ये चीजें 7-7 दिन पर चलेंगी, राइट। याद रखना है, जीभ को काटना है, फिर जाकर के वो चूर्ण को लगाना है, राइट, और फिर 7 दिन के बाद फिर काटना है। एवं क्रमेण, जब आप इस क्रम में आप क्या करते हो, सन्मासम नित्य युक्त, नित्य अभ्यास करते हैं, समाचरित मतलब अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, सन्मासांद्र नासा मूल सिराबंध, जो नासा मूल का जो सिराबंध था ना, 6 मास में क्या होता है, प्रणश्यति, वह हट जाता है, वो सिराबंध हट जाता है 6 महीने जब आप इस क्रम में करते हैं ना, तो वो जीवामूल हट जाता है, जो सटा हुआ रहता है आपके नीचे से ना, जीव के नीचे जो सटा रहता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो हट जाता है तो फिर क्या होता है, कलाम परान मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजये, तो फिर क्या करना है आपको, उसको उल्टा करके परान मुखी ऊपर की ओर मुख करके, त्रिपथे जहां पे वो तीनों चीज मिलती है, कहाँ मिलती है, त्रिपथे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना भ्रूमध्य में मिलती है ना, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, त्रिपथे वो तीनों को जहां मिलती है ना, वहां पे लगाना है, परियोजयेत उस जीवा को लगाना है, और सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते, और यहीं पे व्योम चक्र बोला गया है, और खेचरी के लिए वर्ड व्योम चक्र, पूरे हट प्रदीपिका में अगर व्योम चक्र आपको दिखे ना, तो आप डायरेक्ट समझ जाओ ये खेचरी की ही बात की जा रही है ना, क्योंकि खेचरी को व्योम चक्र भी बोल दिया गया डायरेक्टली, और व्योम चक्र का स्थान यहाँ पे एक तरीके से आईब्रो सेंटर के थोड़ा सा ऊपर बताया गया ना, वो ऊपर पे बताया गया, और यही लोकेशन आप योगराज में भी देखोगे, आप यही लोकेशन एसएसपी में भी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी देखेंगे ना। तो जिम को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना है, या खेचरी मुद्रा है, इसे व्योम चक्र भी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे क्या बोला गया, अब यहाँ पे आपको कुछ स्वाद का अनुभव होगा ना, रसना ऊर्ध्वम कृत्वा, तो जब आप जीभ को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, नहीं अभी इसका लाभ भी बताया जा रहा है, तो क्या बोला गया, क्षणार्ध आधे क्षण, राइट, आधे क्षण बहुत कम समय होता है ना, क्षणार्धम अपि तिष्ठति ना, आधे क्षण भी अगर आप रुकते हैं वहां पे जीभ को ऊपर करके उस कपाल कुहर में, रसना मतलब जीभ होता है ना, तो क्या बोला गया, विषैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी, तो इससे क्या होता है, विष का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। अब आप कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताएं, विष अभी तक कहाँ कहाँ मिला है, महामुद्रा, मयूराशन, शीतकारी, शीतली, शीतली में, शीतली, महामुद्रा, आप महामुद्रा मयूराशन और भी याद मयूर रख लीजिए, जी और केचरी, राइट, केचरी ये जरूर याद रखते जाइएगा ना, एकदम याद रखते जाइए, और ये ऐसे ही याद होगा, ये नहीं कि एग्जाम से पहले एक दिन खोल लिए पढ़ लिए, यहाँ पे भी विष है, यहाँ पे भी विष है, और पूरा विष ही विष हो जाएगा ना, ऐसे ये याद नहीं होता है, एग्जाम से ज्यादातर लोग यही करते हैं ना, एक बार नोट्स उठाए और फिर वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सभी को कंफ्यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद करते रहोगे हर दिन, एक दिन एक दिन एक दिन करते करते बूंद बूंद से जा करके गाढ़ा बढ़ेगा, नहीं तो एक ही दिन में आप डालोगे ना तो फिर ऊपर से चला जाएगा ना। तो विषैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी, तो देखिए ये वैसे उतना लाभ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग मृत्यु जरा सभी में देख रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जो थोड़ा यूनिक दिखे ना, कालपास दिखे, महाक्लेश दिखे, त्रिवेणी संगम दिखे, सर्वनाड़ी ऊर्ध्व गति निरोध का दिखे ना, काटन चालन दोहन दिखे, ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी, तब आप समझो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, आगे फिर क्या बोला गया, अब इसके लाभ क्या बोले, नरोगो मरणम तंद्रा, देखिए तंद्रा एक जगह और देखा था ना,
बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहाँ देखा था? त्राटक में, राइट। यहाँ पे भी वैसे बता दिया गया, तो ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वर्ड को आप थोड़ा सा समझते चलिए और याद रखते चलिए। तो यहाँ पे क्या बोला, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुदा, न निद्रा न शुदा, और कहाँ का दिखा था कोई बता दें? शीतली शीतकारी 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 शीतली शीतकारी ना, जिनके बगल में शोर हो वो माइक म्यूट ही रखिएगा। और क्या बोला, नचा मूर्छा भवे तस्या यो मुद्रा मखेच खेचरीम, ना तो ना ही इससे मूर्छा होगी, तो ना रोग होगा, ना मृत्यु आएगी, ना तंद्रा, ना आलस आएगा, ना निद्रा आएगी, ना क्षुधा, ना भूख, ना तृषा, ना प्यास, और क्या नहीं होगी, ना ही मूर्छा आएगी, और इसी को खेचरी मुद्रा बोला गया ना। तो जब इतने सारे लाभ हों, तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति मिट्टी के अंदर 7 दिन रह ही सकता है ना, अगर उसने खेचरी सिद्ध कर ली है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही। लेकिन ये लाइन को मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये आपसे हमेशा पूछूंगा, क्योंकि ये एक लाइन जो है ना, ये आप जहां जहां खेचरी दिखोगे, मान लो आप जितना टेक्स्ट पढ़ते हैं, 90% जगह आपको खेचरी दिखेगी ही, और ये 80% जगह ये श्लोक आपको दिखता है। तो ये श्लोक मैं अक्सर अपने बच्चों को दे देता हूँ उठा करके। क्या बोला गया, पिड्यते न च रोगे न लिप्यते न च कर्मणा बध्यते न सकाले न यो मुद्रा मखेचरी। तो ये क्या होगा, ना ही आप रोगों में लिप्त होते हैं, मैं यहां से देता हूँ ना, लिप्यते न च कर्मणा बध्यते न सकाले न, राइट, ना ही आप काल के बंधन में रहते हो और ना ही आप कर्मों में लिप्त होते हो, एकमात्र खिचड़ी के लिए बोला गया है। पूरे आपके योगा के सिलेबस में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको जरूर लिख लेना, लिप्यते न च कर्मणा बध्यते न सकाले न, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, मुझे डिसअपॉइंट मत करना ना। आगे चलते हैं, ये ठीक है ना, कर्मों में लिप्त नहीं होता है, काल में नहीं बंधता है, रोग से पीड़ित नहीं होता, ये खेचरी हो गया। ओके, आगे फिर क्या बोला है, चितम चरती खे, एक वर्ड है ना खेचरी में, खे का वर्ड जो होता है ना, इसको बोलते हैं आकाश बोलते हैं, या शून्य बोल देते हैं ना, शून्य, खे मतलब ही आकाश होता है ना, खे गमन हम लोग देखते हैं, मतलब आकाश गमन। तो क्या बोला है, चित्तम चरती खे, जो चित्त होता है वो कहाँ चलता है, आकाश में, शून्य में चलता है। यस्मा जिह्वा चरति खे गता, ना जब आप ऊपर की ओर कपाल कुहर में जीव को प्रवेश कराते हैं, तो चित्त क्या करता है, शून्य में चलता है, राइट, आकाश में विचरण करता है। ते नैसा खेचरी, आकाश में विचरण करना एक तरीके से आप समझो शून्य स्थिति, शून्य स्थिति मतलब आपकी चित्त की चंचलता शांत, यही समझ लो, शून्य स्थिति वही हो गई ना, मतलब योगश्चित वृत्ति निरोध है ना, सारी वृत्तियों का निरोध हो गई, तभी आप शून्य अवस्था में पहुंच गए, और ऊपर ये खेचरी का लाभ बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ना। ते न ऐसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर निरूपिता ना, और इसी को सिद्धगण लोग क्या बोलते हैं, खेचरी बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसमें जीव ऊपर की ओर जब कपाल कुहर में जाता है, तो चित्त आपका शून्य में विचरण करने लगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो मैं बता दूंगा आपको। फिर क्या बोला गया, खेचरया मुद्रितम ये ना विवरम लंबिकोर्ध्वत न तस्य छर्ते बिंदु कामिन्यास्लेशितस्य च। अब देखिए क्या बोला गया, कि जिसने क्या कर लिया, खेचरी मुद्रा सिद्ध कर ली ना, खेचरी मुद्रम येन विवरम, विवर मतलब होता है बिल बोलते हैं, छेद बोलते हैं, और कौन सा छेद, कपाल कुहर वाला। तो जिसने खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लिया, जिसके लंबिका, जीव को हम लोग लंबिका वर्ड यूज करते हैं ना, तो लंबिकोर्ध्वतः विवर, जब आपकी दीर्घ लंबिका जीव आपकी उस विवर में, उस कपाल कुहर में पहुंच जाती है, इससे क्या होता है, ना तस्य छरते बिंदु, इससे क्या होता है, ना ही आपकी बिंदु छरती है, राइट, यहाँ पे मतलब ग्रॉस वाले बिंदु की बात की जा रही है, सेमन वाली, स्पर्म वाले बिंदु की बात की जा रही है। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, खेचरी में जीव ऊपर है, तो अब क्या बोला, काम, ये वर्ड याद रखिएगा ना, कामिन्यास्लेशितस्य च। तो यहाँ पे क्या होता है, कि अगर आपसे कोई स्त्री आलिंगन भी करती है ना, तो भी जाकर के आपके बिंदु चलायमान नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपने खेचरी सिद्ध कर ली, खेचरी सिद्धि कर ली, और खेचरी में चित्त शून्य में विचरण करता है, जब शून्य में विचरण करेगा तो चित्त में चंचलता नहीं रहेगी, जब चित्त में चंचलता नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बिंदु का क्षरण नहीं होगा, ये बात सिंपल सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, इसको इसी तरीके से आप याद रखिए। क्या बोला गया, कि सुंदर स्त्री द्वारा आलंगित होने पर भी स्खलित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपकी चित्त तो शून्य में विचरण कर रही है, सीधी सी बात है ना, इसको पढ़ लीजिए ना, खेचरी मुद्रा के दौरान जीव ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने विवर को बंद कर दिया है, उसका बिंदु सुंदर स्त्री द्वारा आलंगित होने पर भी स्खलित नहीं होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, वही बातें होंगी ना। आगे बढ़ते हैं, ओके,
चली तो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम। अब क्या बोला गया है कि यदि आपकी बिंदु चलायमान भी हो जाती है, हाँ अगर आपकी बिंदु चलायमान भी हो जाती तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, व्रज ऊर्ध्वम यतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। देखिए यहाँ पे योनि मुद्रा की चर्चा तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे योनि मुद्रा को उस हिसाब से नहीं बताया गया। इस योनि मुद्रा को मैं आपको शिव संहिता में बहुत डिटेल में वहां पे लिखा हुआ है ना, योनि मुद्रा बहुत डिटेल में शिव संहिता में आप पढ़ोगे, राइट। योनि मुद्रा को मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या बोला गया एक्चुअली में ये श्लोक क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं आपका बिंदु चलायमान हो गया ना, बिंदु स्खलित भी हो गया, तो योनि मुद्रा, हाँ वो बस्ती प्रदेश में पहुंच गया, योनि मंडल में पहुंच गया, तो आप क्या करेंगे, योनि मुद्रा एक तरीके से आप मूल बंद आप समझो। देखो मैं यहाँ पे तीन चीज समझा देता हूँ क्योंकि आगे इस चीज को मुझे वैसे भी समझाना है, तो ध्यान से समझ लीजिए बाकी सभी लोग। एक वर्ड आएगा आपको मूल बंद, एक बंद आएगी आपकी अश्विनी मुद्रा, एक आएगी आपकी वज्रोली मुद्रा, राइट। वज्रोली मुद्रा देखिए अश्विनी मुद्रा क्या होता है, जब आप अपने गुदा मार्ग का क्या करते हैं, आकुंचन और प्रसारण करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। जब आप अपने लिंग प्रदेश का आकुंचन और प्रसारण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वज्रोली मुद्रा। और इन दोनों ना, मैंने बताया था आपको कि अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना तंत्र को, तो आपको पता चलता है कि ये गुदा मार्ग और ये मूत्र मार्ग, इसके बीच में जो जगह है इसी के ऊपर क्या है, कुंडलनी का स्थान बताया गया है, कुंडलनी का स्थान, राइट। और जो आपने यहाँ पे महामुद्रा पढ़ी थी या महाबंध पढ़ा था या महावेद पढ़ा था, एक पांव की एड़ी इसी स्थान में लगाते हैं, राइट, इसी स्थान में लगाते हैं। और इसी स्थान में लगाकर जब आप महावेद में अपने हिप को बार बार पटकते हो, तब जाकर के वही बातें बोली गई थी कि प्राण दोनों नासापुटों में उसके अतिक्रमण करके सुषुम्ना में प्रवाह होती है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था अश्विनी मुद्रा जब आप अपने गुदा मार्ग का आकुंचन प्रसारण करते हैं, और वज्रोली मुद्रा में जब आप अपने मूत्र मार्ग का आकुंचन प्रसारण करते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों को, गुदा मार्ग को भी और वज्रोली मूत्र मार्ग को भी, दोनों को एक साथ जब आप ऊपर खींचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल बंद। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग मूल बंद में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये मैंने बहुत गूढ़ बात बताई। अब योनि मुद्रा एक्चुअली में जो है ना, ये मूल बंद जैसा ही है। तो यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बोला कि चलो मान लेते हैं बिंदु स्खलित हो जाता है, बिंदु चलायमान भी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, योनि मुद्रा की प्रक्रिया से, योनि मुद्रा हो गई मतलब मूल बंद, और वज्रोली मुद्रा एक तरीके से समझिए कि वज्रोली मुद्रा से आप क्या करेंगे, एक तरीके से उसको ऊपर वापस से खींच लेंगे ना, बिंदु जो गई वापस स्खलित हो रही है उसको खींच करके वापस अपनी ओर जहां से वो चलायमान होगी वापस उसको खींच करके लाएंगे। योनि मुद्रा हम लोग शिव संहिता में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो मेरा मेन मोटो था, आपको मैं मूल बंध समझाना था, अश्विनी समझानी थी और वज्रोली समझानी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर क्या बोला गया इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोला। उर्ध जीव स्थिरो भूत्वा, ना ऊपर की ओर जीव करके जो साधक स्थिर रहता है और क्या करता है, सोमपान करता है, हाँ जो मैंने पहले ही बता दिया, सोमपान करता है, वो क्या होता है, उसको मास अर्धेन, आधे मास में मतलब 15 दिन में क्या होती है, न संदेहो मृत्यु जयति योगवित, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि खेचरी, यहाँ पे मैं दो बात, दो तीन बात मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ ना, दो तीन बात। एक मैंने बताया गया खेचरी में, खेचरी के अभ्यास से 6 महीने में सिराबंध हट जाता है ना, 6 महीने में क्या होता है, सिराबंध हटता है, 15 दिन में, यह मासार्धेन ही याद रखिए, मासार्धेन मतलब 15 दिन हो गया ना, आधे मास में, 15 दिन में क्या होती है, मृत्यु जय, मृत्यु जय। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, उसके पहले हम लोगों ने देखा था 12 वर्ष में ना, 12 वर्ष में क्या देखा था मैंने, हम लोगों ने आत्मध्यायी, आत्मा का ध्यान करने वाले, मिताहारी, मिताहार और सिद्धासन का अभ्यास करने वाले, सिद्धासन, इसको क्या होती है, 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है ना, 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, इनको क्या होता है, 1 वर्ष या उससे, 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है ना, 1 वर्ष से अधिक समय में, 1 वर्ष से अधिक समय में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नाड़ी शुद्धि,
नाड़ी शुद्धि का समय कितना बोला था? 3 माह, ठीक है, उससे कुछ अधिक समय ना, 3 माह से कुछ अधिक। तो ये इतने इतने सारे दिख गए आपको ना, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह से कुछ अधिक, यहाँ पे 1 वर्ष से कुछ अधिक, और यहाँ 15 मास में मृत्यु जय खेजड़ी से, और 6 महीने में सिराबंध हट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले तो बेहतर है, मैं कहूँ। 6 महीने में सिराबंध किससे होता है? सिराबंध हट जाता है ना, जो काटन चालन दोहन आप कर रहे थे सुनोही के पत्ते से, हर 7 दिन में काट रहे थे ना रोम मात्र, वो सिरा लगा हुआ था ना जीभ का, तो वो 6 महीने में हट जाता है। ठीक है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ना ये हो गया, अब यहाँ पे क्या बोला गया? नित्यम सोम काल पूर्णम शरीरम यस्य योगिना ना, तो जो नित्य सोम रस का पान करता है, राइट, जो सोम रस का पान करता है, तक्षके ना अपि दष्टस्य विषम तस्य ना सर्पति। तो तक्षक ना, ये बहुत विषैला सर्प है, इसको हम लोग बोलते हैं तक्षक, राइट। तो तक्षक के काटने से भी उस विष का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे, तो राइट। तो ये बात याद रखिएगा, तक्षक के काटने का भी प्रभाव किस मुद्रा का फल बताया गया नहीं होता है, तो एकमात्र खेचरी, तक्षक दिख जाए तो खेचरी होगी, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगर विष होगा तो फिर वो सारी चीजें याद आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा ना। ओके, वही बोला, यहाँ हिंदी में पढ़ देता हूँ। जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोम स्त्राव से भरा रहता है ना, जो हर दिन सोम का पान करता है, उसको तक्षक सर्प के काटने पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना, ये एक बहुत विषैला सांप है। ओके, आगे फिर क्या बोला गया? इंधनानि यथा वह्नि स्थैलवर्ति च दीपक तथा सोम काल पूर्णम देहि देहम न मुच्यति मुंचति। तो ये क्या बोला गया कि जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि तथा तेल बाती रहने से दीपक नहीं बुझता है ना, आग रहता है तो लकड़ी में आग नहीं बुझती है, दीपक में तेल रहता है तो बत्ती ना, हम लोग जानते हैं पहले लालटेन यूज करते थे, या दीपक अभी भी देखते हैं ना, दीपक सामान है जो पूजा में दीपक लगाते हैं, इसमें जब तक यहाँ पे घी रहता है, तेल रहता है, तब तक ये बाती रहती है, तब तक ये दीपक नहीं बुझता है। उसी प्रकार आपका शरीर अगर सोम स्त्राव से भरा पड़ा है तो आपको कभी भी मृत्यु नहीं आएगी, आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, वही होगी जरा मृत्यु, शरीर आत्मा नहीं छोड़ती, एक ही बात हो गई ना, ये बात याद रखिएगा। अब एक बार यहाँ पे क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि स्वामी स्वात्मा राम किनको कुलीन योगी मानते हैं, तो किनको कुलीन योगी मानते हैं, क्या बोला गया? गो मांस भक्षण ये नित्यम। अब गो और मांस, इसको पहले समझते हैं, गो का अर्थ क्या होता है और मांस का अर्थ क्या होता है। गो का शब्द, गो अर्थ जो है ना, वो जिह्वा को बोला गया, जिह्वा, जिह्वा, और जब जिह्वा को कपाल कुहर में आप प्रवेश कराते हैं उसी को बोला गया गो मांस भक्षण। और जो ये क्या करता है, नित्यम, नित्य करता है, और पिवेद अमर वारिन वारुनिम, तो जो अमर वारुनी, जो ऊपर रस का पान करता है, सोम स्त्राव जो आ रहा है ना उसका जो पान करता है, उसी को अमर वारुनिम बोला गया। तो क्या क्वेश्चन दिया गया था कि स्वामी स्वात्मा राम के अनुसार कौन कुलीन योगी है? ऑप्शन दिया था गो मांस का भक्षण करने वाला, और दूसरा दिया था अमर वारुणी का पान करने वाला, ये दोनों बातें बताई गई थी ना। एक सेकेंड, तो ये दोनों बातें बताई गई थी कि जो अमर वारुणी, जो स्त्राव हो रहा है उसका जो नित्य पान करता है, और जो जीव को ऊपर कपाल घर में लगाता है, उसी को कुलीन योगी मानते हैं। अन्य ना तम हम मन्यते इतरे, इनके अलावा सभी क्या है, कुल घातक है। तो यही क्वेश्चन दिया था, इसको याद रखिएगा ना, गोमांस और अमर वारुणी का अब आगे देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, गो शब्देन नोदिता जिह्वा ना, तो गो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, जिह्वा के लिए किया गया। तो आपको डायरेक्ट ही दे देगा कि गो शब्द किससे संबंधित है, इवन आपको खेचरी भी मेंशन नहीं करेगा, कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, सीधा दे करके पूछ लेगा गो शब्द किससे संबंधित है, जीवा से, भ्रूमध्य से, कुछ भी दे देगा। तो ये याद रखिएगा गो शब्द जीवा से ना, तो क्या बोला गया, गो शब्देन उदिता जीवा तथा प्रवेश होते ही तालुनी ना, तो गो शब्द क्या हो गया, जीवा हो गया, और उसका जब प्रवेश कहाँ होता है, तालु में होता है, ऊपर पैलेट में होता है, यही क्या हो गया, गोमांस भक्षणम ततु। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, महापातक नाशनम, राइट, महापातक। तो एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ, महामुद्रा, महाक्लेश, महाक्लेश, महाबंध,
कालपास, महावेद, वलितम, पलितम और वे पगनम, और खेचरी आ गई आपकी महापातक ना, महापातक। ये महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, खेचरी, ये चार लाभ तो आप जरूर देना। कोई दे ना दे, मैं आपको ये दे करके जरूर मैच द फॉलोइंग पूछूंगा ना, ऐसे ही माकलेस दे दूंगा, कालपास दे दूंगा, वे पगनम दे दूंगा और महापातक दे दूंगा, फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछूंगा। प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, ये बात वही बोल दिया गया कि गो शब्द किससे अभिप्रेरित है, जेवा से, और तालु में उसका प्रवेश ही गोमांस भक्षण है। अननेसेसरी कुछ यहाँ पे आपको वो नहीं लगाना है ना उसका सेंस, और यही क्या है महापातक को नाश करती है, राइट। अब आगे क्या बोला गया, जिह्वा प्रवेश संभूत वहनी नोत्पादित खलु चंद्रात स्रवती यह सारसा स्यादम अमर वारुणी ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि जब आप जीवा को ऊपर प्रवेश कराते हैं तो इसकी उष्णता के कारण वहां पे आपको कुछ रस का, मतलब जो अमर वारुणी का जो आप पान कर रहे हैं ना, उसका कुछ आपको रस का भी अनुभव होगा। आगे ये बताएंगे यहाँ पे ना स्वामी स्वात्माराम जी क्या बोलते हैं। एक दो बात और यहाँ पे बोल दिया गया भाई कि चुंबंती, मतलब जब तक आपकी जीभ ऊपर पे कपाल कुहर में रहेगा, यदि लंबिकाग्र निशम, लंबिका जीभ हो गया, अग्र मतलब आगे का भाग ना, जीवा का अग्र भाग जब तक ऊपर पे चुंबन करता रहेगा, उस कपाल कुहर में करता रहेगा, तो जीवा रसस्य नंदिनी ना, तो ये क्या होगा, अलग अलग रसों का अनुभव करेगा। इसके रस कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन रस में आप औपथ्य कारक का बहुत बार पूछा गया है, मुझे लगता है पूछेगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो कोई उस तरीके से ध्यान रखता नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर याद रखिए। क्या बोला गया, क्षार, सबसे पहले आपको क्षार का अनुभव होगा, फिर कटु, अम्ल, दुग्ध सदृशी ना, इसके समान, फिर मधु। तो क्षार किसको बोलते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े में, तो ये नमकीन होता है, राइट, नमकीन। फिर कटु, कटु हम लोग किसको बोलते हैं, कड़वा, राइट। अम्ल किसको बोलते हैं, खट्टा। उसके बाद दुग्ध, दुग के समान आपको अनुभव होगा ना, एक सेकेंड, इसको लिंक नहीं मिला। अब ना तो ये दुग्ध सदृशी मद्वा जय तुल्या तथा ना, तो ये इस प्रकार आपको अनुभव होता है ना। तो क्या क्या होता है एक बार यहाँ पे देखे ना, कि जरूर याद रखिएगा ना, नमकीन हो गई, तीखा हो गई, खट्टा हो गई, दूध, शहद या घी के समान स्वाद का अनुभव होता है। तो आप इसको इसी तरीके से याद कीजिएगा ना, क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध सदृशी, मधु, जय तुल्या तथा ना, मधु के समान। और फिर क्या बोला गया, व्याधिनाम हरणम जरांत करणम शास्त्र, सॉरी शस्त्र ना, तो ये क्या होगा, आपको ना व्याधि आएगी, ना रोग होगा, ना जरा, ना बुढ़ापा आएगी, और ना ही शस्त्रों का प्रभाव पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और तस्य स्याद अमरत्वम, अमरत्वम गुणितम ना, या ये क्या बोला गया कि एक तरीके से आप अमरता को प्राप्त करेंगे और शस्त्रों का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको कहूंगा, क्योंकि इधर जो पैटर्न चला हुआ है ना, सिद्धांगना आकर्षणम, एक वर्ड आपको दिखा था सीतकारी में, सीतकारी में जो वर्ड दिखा था वो क्या था, योगिनी चक्र सम्मान्य, राइट, योगिनी चक्र सम्मान। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था ना, एक अशेष दोष सोसिनी, अशेष दोष सोसिनी, राइट, अशेष दोष सोसिनी कहाँ पे था, ये किसी को याद आ रहा है, नौली, हाँ नौली, ये नौली में था ना, अशेष बस्ती, सोसिनी, बस्ती में क्या था, किसी को याद है, सोसनी, हाँ सोसनी, सोसिनी, अशेष दोष पंचक, मतलब पाचक, पाचक से कुछ था, नहीं, ये अशेष दोष करके वहां पे था, आपको किसी को याद नहीं आ रहा, मैंने कितनी बार अशेष ये दोष, बोला, अशेष दोष उपचयम, हाँ अशेष दोष पचयम ना, उपचयम या पचयम, अशेष दोष पचयम आपकी बस्ती में था और अशेष दोष सोशिनी आपकी नौली में था ना, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सिद्धांगना आकर्षणम, तो ये डायरेक्ट ही दे देगा, सिद्धांगना आकर्षणम किसका फल बताया गया, खेचरी, और योगिनी चक्र सम्मान्य आपकी सीतकारी ना, तो थोड़ा थोड़ा वर्ड से
आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है? ओके, अब यहाँ पे आ गई ना ये खिचड़ी, आज मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, 4 मिनट हो जाएगा। क्या बोला गया? ऊर्ध्व ऊपर की ओर, षोडश पत्र मध्य गलितम, ना ऊपर पे क्या है 16 दल वाला कमल है, प्राणात वाप्तम हटात, ना ये ऊपर पे जब आप क्या करते हैं जीवा को ऊपर करते हैं ना, तो 16 दल पत्र से क्या होता है जो सोम अस्त्रा होता है उसी का यहाँ पे एक तरीके से पान करने के लिए बोला है। ऊर्ध्व स्यो रसना नियम्य विवरे शक्तिम पराचिंतनम, ना तो ऊपर आपको क्या करना है रसना का पान करते हुए उस विवर में उस शक्ति का ध्यान करना है ना, पराशक्ति का चिंतन करना है, चिंतन करना है। फिर क्या बोला? उत्कलोल कला जलम च विमलम धारा मयम यह पिबेत, ना और उस चिंतन करते हुए जो विवर से वो धारा बह रही है राइट, उसका पान करने के लिए कहा गया है। पर इसका फिर क्या बोला है, वही बातों को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके बोला जा रहा है, एक ही बात को, वही हो गया व्याधि जरा मृत्यु वही ना, तो निर्व्याधि ना व्याधि नहीं होगी, समृणाल कोमल उपयोगी, ना वो उसका शरीर बहुत कोमल हो जाता है ना, कोमल उपयोगी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, किस अभ्यास किस मुद्रा का फल बताया गया कि शरीर बहुत कोमल हो जाता है, तो खेचरी का, ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा। और ये चीरम जीवित जीवती, ना ये चीर काल तक जीता है, मतलब बहुत लंबे समय तक जीता है राइट, खेचरी के अभ्यास से। ओके चलिए आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, कल से हम लोग इसको करेंगे क्योंकि एक और क्लास है ना, तो बीच में थोड़ा 5 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूँ। 50 तक हुआ है वैसे ये याद ही रह जाएगा ना, 50 श्लोक तक याद हुआ है, कल से 51 शुरू करेंगे। इसको जाकर के आप जरूर देखिएगा, जो भी मुद्राओं में मैंने आपको बताया ना, एक बार आप, मैं ये मान करके चल रहा हूँ आपके सटकर्म वाले कॉन्सेप्ट सारे याद हो गए होंगे, कुंभक वाली बातें आपको याद हो गई होगी ना, एक बार सभी लोग सामने आ जाइए जरा, तो मैं देख लूँ कितने लोग रह रहे हैं अभी, कितने लोग भाग गए, आइए सभी लोग सामने। ओके ना, तो ये मैं मान करके चल रहा हूं कि आप लोग षटकर्म वगैरह उसका जो लाभ है वो भी याद हो गया होगा आपको, कुंभक वाले जरूर याद करते रहिएगा, क्योंकि देखो अगर आप सोचेंगे कि बाद में मैं कर लूंगा ना, तो जब आपको दूसरा कुंभक मिलेगा आई मीन अन्य ग्रंथों का, तो फिर वो बहुत खिचड़ी बन जाएगी, यकीन मानिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्लास के साथ चलिएगा तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो सोचेंगे आप कि अच्छा मैं लिख ले रहा हूँ बाद में याद करूंगा, नहीं, इसलिए मैं जो भी चीज़ पहले पढ़ाया हूँ उसको 2 बार 3 बार 4 बार मैं बोल देता हूँ ताकि वो बात आपको याद रह जाए, और वो रहेंगी ना इसी तरीके से रहेंगी। आप 4 बार 4-5 क्लास मिस कर दोगे, तो उस 4-5 क्लास के दौरान मैंने केवल वही चीजें नहीं पढ़ाई आपको कि जो चीज चल रही थी, नहीं उसके पहले जो 5 क्लास हुआ उसकी भी थोड़ी थोड़ी अगर कुछ मिल रहा है तो वो मैं आपको याद दिलाता चलता हूँ, तो बेहतर है ना कि आप जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं आपको दिखेगा 6 माह में मृत्यु जय, तो फिर मैं आपको वापस से याद दिला दूंगा कि देखो ये 6 महीने में सिराबंध हटता है, 15 मास में मृत्यु जय हो जाती है खेचरी से, 12 साल में निष्पत्ति अवस्था होती है, तो जहां जहां वो मिलता चलेगा मैं आपको वो चीज याद दिलाता चलूंगा, तभी आपको चीजें याद होंगी। आप एकदम से सोचोगे नोट्स पढ़ करके खुद से सेल्फ स्टडी करके, नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हाइपोथेटिकल भी होती है ना वो लगेगा, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। फिर से हम लोग मिलते हैं दोबारा कल 8 बजे। हरिओम आप सभी को, शुभरात्रि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम सर, हरि ओम सर, हरि ओम सर। हेलो सर। हाँ बताइए सर, मुझे पूछना था कि ये जो खेचरी जो है सर, वो क्या हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, ये सही रहता है हम लोग का? नो no, नो no.